अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की फैसलाबाद की टीम ने यहाँ पे पशमाल इलाका है जो कलाम के बिल्कुल करीब है यहाँ पड़ाव किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा इलाका जो है वो किसी हद तक सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है। यहाँ पे हमने लोगों को इकट्ठा किया है, यहाँ लोग आपके सामने मौजूद हैं जो यहाँ पर राशन ले चुके हैं और माली इमदाद इनकी जो है वो हो चुकी है। इसके साथ साथ अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के जो रजाकारान हैं उन्होंने ये मेडिकल कैंप यहाँ पे अरेंज किया है। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी फैसलाबाद की टीम ने यहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है जहाँ पे ये बच्चों के में और बुजुर्गों को जो है वो चेकअप किया जा रहा है और फीस भी लीला जो है इनको मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे बुजुर्ग और लोग जो है जितने अफराद मौजूद हैं ये इसी कलाम रोड के ऊपर जो है वो फैक्ट्रीज यहाँ मौजूद हैं जिनको टर्न बाय टर्न अंदर बुलाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज की जेर निगरानी जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ पूरा तामन कर रहे हैं और लोगों के तामन में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ये सारा क्राउड आपको नजर आ रहा है, ये सारा क्राउड यहाँ पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको टर्न बाय टर्न यहाँ बुलाया जा रहा है और जितने भी अफेक्टीज हैं उन तमाम अफेक्टीज को हम इंशाल्लाह अकोमोडेट तो पूरा तरह नहीं कर सकते लेकिन जितनी हमारे पास माली या राशन जो भी फॉर्म में मौजूद है हम इंशाल्लाह इन तमाम अपने गमजदा भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला हमें इस पुशमाल के जितने भी इलाके के जो लोग हैं उनके दुख दर्द में हम इनके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला मजीद हमारे जो डोनर्स हैं जिन लोगों ने डोनेट किया अल्लाह ताला उनको मजीद इस्तकामत और तंदुरुस्ती से लंबी उम्र अता फरमाए। मोहम्मद वाला अली सैयदना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। मेरे मालिक मौला हमारा ये 12वां फेज है, इस 12वें फेज के अंदर हम अपने मुसीबत ज़दा भाइयों में कपड़े तकसीम कर रहे हैं। मेरे मालिक मौला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मालिक मौला इन सब भाइयों की परेशानी में, मेरे मालिक मौला मुसीबतों में, मेरे मालिक मौला हर तरह की खैर फरमा, हर तरह की भलाई अता फरमा, सबके घरों पर अपना खास कर्म फजल फरमा। हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदका और तुफैल मेरे मालिक मौला परेशानियों को दूर फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, इस आफतज़दा इलाके को अपनी खास रहमत कामिला का सदका मेरे मालिक मौला खैर भलाई अता फरमा। मेरे मालिक मौला हर तरह की खुशी खैर फरमा। मेरे मालिक मौला नेक बनने, नेकी फैलाने की तौफीक अता फरमा, बुराई से बचने, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान कश्मीर से लेकर खैबर तक मेरे मालिक मौला पूरे पाकिस्तान में हर जगह काम कर रही है। मेरे मालिक मौला हजारों वर्कर मेरे मालिक मौला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। मेरे मालिक मौला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मालिक मौला जो लोग भी सोसाइटी पे ट्रस्ट करते हैं मेरे मालिक मौला, एतबार करते हैं मेरे मालिक मौला, उन्होंने एतबार करके मानते नहीं है मेरे मालिक मौला, हमें सही लोगों तक मानते पहुंचाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। मेरे मालिक मौला खात्मा बिल ईमान फरमा। मेरे मालिक मौला खत्मे नबूवत जैसे एक अजली पैगाम को मेरे मालिक मौला उस पर तहफ्फुज देने की मेरे मालिक को हिम्मत और ताकत अता फरमा। मेरे मालिक मौला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। मेरे मालिक मौला जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके मेरे मालिक मौला वो भी अता फरमा। अपने गायबी खजानों से रिजक में बरकत अता फरमा। औलाद को तंदुरुस्ती सेहत व लंबी उम्र अता फरमा। औलाद का साया ताजे सलामत रख मेरे मालिक मौला। हर तरह की खैर खूबी अता फरमा। वालदैन पर अपना खास कर्म फजल फरमा। जिनके वालदैन दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं मेरे मालिक मौला उनकी बख्शिश फरमा। मेरे मालिक मौला बच्चों की हर तरह की खैर खूबी अता फरमा। मेरे मालिक मौला जो जायज हाजतें हमारे दिलों में मौजूद हैं मेरे मालिक मौला उनको कबूल व मंजूर फरमा। हर तरह की भलाई और हर तरह की खूबी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।